हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड सेकंड में मैथ्स में वर्कबुक पार्ट 4। तो आपको मेरे साथ वर्कबुक लेके बैठने और फिल करना है। इंसेक्ट एज पर द गिवन नंबर्स आर हिडन इन द होल। विच वे विल द लिजर्ड चूज टू ईट देम। इंसेक्ट यानी कि ये चिपकली है, जो ये होल में जो नंबर है वो वन बाय वन वो ईट करती है, यानी कि खाती है। उसमें देखो ये नंबर ये इधर वो इंसेक्ट के नंबर है। इंसेक्ट यानी कि जीव जंतु होते हैं वो। इधर 9 इंसेक्ट है, इधर 3 है, तो ऐसे वो वन बाय वन वो स्टेप बाय वो ईट करती है। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो विच वे विल द लिजर्ड चूज टू ईट 12 इंसेक्ट। देखो लिजर्ड 12 इंसेक्ट खाती है, तो कौन से वे यानी कि कौन से रास्ते पर से वो खाती है। तो देखो 12 इंसेक्ट खाती है, तो 3 + 1 + 8 = 12। तो देखो 3 + 1 + 8, तो ए रास्ते पर वो इंसेक्ट 12 खा जाती है। देखो अब देखिए हम आगे। फर्स्ट है विच वे विल द लिजार्ड चूज टू ईट 13 इंसेक्ट। इसमें कितने इंसेक्ट खाती है वो 13। कितने 13, तो हमें वो वे इधर रास्ता कौन कौन से नंबर आते हैं वो इधर लिखने हैं। तो देखो 7 + 4 + 2 = 13, यानी कि देखो 7 + 4 + 2, तो ए रास्ते पर वो इंसेक्ट खा जाती है। आगे विच वे विल द लिजार्ड चूज टू ईट 13 इंसेक्ट। जो लिजार्ड है वो कौन से रास्ते पर से वो 15 इंसेक्ट खाती है। तो देखो तो उसमें 8 + 4 + 3, 8 + 4 + 3 = 15। तो देखो कौन सा रास्ता है 8 + 4 + 3। देखो ए ऐसे ए वाला रास्ते पर से वो इंसेक्ट खा जाती है। देखो विच थ्री डिफरेंट वे कैन द लिजार्ड चूज टू ईट 14 इंसेक्ट। कितने 14 इंसेक्ट, तो देखो इधर 9 + 1 + 4 = 14। जो लिजार्ड है वो थ्री डिफरेंट वे तीन अलग अलग रास्ते से वो 14 इंसेक्ट खाती है। तो कौन कौन से तीन अलग अलग वे है, तो देखो ये नंबर से फर्स्ट वे है 9 + 1 + 4 = 14। दूसरा 7 + 3 + 4 = 14। 8 + 4 + 2 = 4। तो ऐसे वो ये तीन रास्तों से वो 14 इंसेक्ट खा जाती है। अब आगे फोर वाला विच टू डिफरेंट वेज कैन द लिजार्ड चूज टू ईट 16 इंसेक्ट। देखो दिस टाइम द लिजार्ड विल गो थ्रू 4 बॉक्सेस। इस टाइम लिजार्ड क्या करती है, 16 इंसेक्ट खाने के लिए वो 4 बॉक्सेस 4 सर्कल वो जाती है। देखो 4 सर्कल जाके वो 16 इंसेक्ट खाती है। तो देखो पहला 1 + 5 + 4 + 2 = 16, टोटल 16 इंसेक्ट वो खा जाती है। फिर से दूसरा रास्ते पर से 3 + 7 + 4 + 2 = 16। अब आगे डिटेल ऑफ द आइटम्स purchases by a merchant from a shop are given। तो देखो जो merchant है
यानी कि व्यापारी है, वो कुछ आइटम है शॉप से लेता है। ही हैज टू गो फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इन ए बोट, तो वो बोट से वो ले जानी है। द मैक्सिमम वेट विच कैन बी कैरीड ऑन दिस बोट इज 30 किलोग्राम। क्या है कि बोट में मैक्सिमम कितना वेट ले जाने का है, 30। सो इन हाउ मैनी वे विल द मर्चेंट कैरी 30 किलोग्राम ऑल द 3 आइटम्स टू द अदर एंड। क्या कहते हैं, मर्चेंट है उसको 3 किलोग्राम टोटल तीन आइटम है, कितनी 3 आइटम है, ओनियन पोटेटो और केबिज, तो 3 आइटम है, वो 35 किलोग्राम है, लेकिन उसे सिर्फ 30 किलोग्राम ही ले जानी है तीनों आइटमों की। तो राइट द करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक्स। इधर फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, देखो इधर आइटम यानी कि वेजिटेबल है ओनियन पोटेटो और केबिज, तो ओनियन कितनी है 9, पोटेटो 20 और केबिज 6 किलोग्राम है, तो टोटल मिला के 35 किलोग्राम वेजिटेबल हुए, तो उसे बोट में वो कैरी करके ले जाना है। तो देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है 9 किलोग्राम ओनियंस है प्लस इधर 20 किलोग्राम पोटेटोज प्लस 20 किलोग्राम केबिज, तो तीनों मिला के कितने हुए 13 किलोग्राम वेजिटेबल हुए। तो ऐसे हमें इधर 30 किलोग्राम वेजिटेबल हमें इधर ले जाने का है बोट में, वो इधर प्लस करना है। तो देखो 9 और 1 कितने 10, तो कितने बाकी 20 किलोग्राम पोटेटो लिए। तो चलो आगे देखिए, अब देखो 9 किलोग्राम ओनियन क्या है, 9 किलोग्राम ओनियन है प्लस ब्लैंक्स प्लस 5 किलोग्राम केबिज, तो 9 किलोग्राम ओनियन और 5 किलोग्राम केबिज है, तो दोनों मिला के 14 किलोग्राम हुए ना। अब कितने बाकी बचे, तो 16 किलोग्राम पोटेटोज हमने लिए। अब 9 किलोग्राम ओनियन से प्लस 4 किलोग्राम केबिज है, तो 9 और 4 कितने 13 किलोग्राम वेजिटेबल हुए, कितने बाकी बचे, तो 70 किलोग्राम पोटेटोज हमने लिए। ऐसे आगे 9 किलोग्राम ओनियन प्लस 2 किलोग्राम केबिज है, तो अब कितने इसमें बाकी रह गए, तो कितने, तो 19 किलोग्राम पोटेटोज, कितने 19 किलोग्राम। देखो चलो ए ब्लैंक्स, दो ब्लैंक दी है और इधर 6 किलोग्राम केबिज ली है, कितने 6 किलोग्राम केबिज, तो कितने उसमें कितने बाकी रह गए, तो 9 किलोग्राम ओनियन ली हमने और 15 किलोग्राम पोटेटोज ली, तो हो गए टोटल 30 किलोग्राम वेजिटेबल। 9 किलोग्राम ओनियन, देखो ए 15 किलोग्राम पोटेटोज लिखे हुए, तो कितने हम इधर ऐड करेंगे, तो 30 हो गए, तो उसमें 9 किलोग्राम ओनियन ली और प्लस 6 किलोग्राम केबिज, तीनों मिला के 30 किलोग्राम वेजिटेबल हो गए। अब 20 किलोग्राम पोटेटोज, कितने 20, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेनी है कोई भी, कम हो तो चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं, 20 किलोग्राम पोटेटोज है, तो उसमें कितने बाकी, तो 10 किलोग्राम वेजिटेबल खुटेगी ना, तो 4 किलोग्राम ओनियन और 6 किलोग्राम केबिज, 18 किलोग्राम पोटेटोज है देखो, तो उसमें 18 किलोग्राम में 9 किलोग्राम ओनियन प्लस 3 किलोग्राम केबिज, तो तीनों मिला के 30 किलोग्राम केबिज। अब लास्ट 20 किलोग्राम पोटेटोज, कितने 20 किलोग्राम, तो उसमें 5 किलोग्राम ओनियन और 5 किलोग्राम केबिज मिला के 10 और 20 वो हो गए 30, तो हमें ऐसे करके बोट में 30 वेट ले जाने का है।